तो भाइयों कैसे हो आप लोग। एक बढ़िया साउंड आ रहा है, गेट बंद कर दो। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अभी व्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, दिक्कत हो रही है। आज जैसे एक बहुत बड़ा कांड हुआ कि आज ना मेरा लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट था, आज की अपॉइंटमेंट थी, और 2 महीने पहले मैंने इसे टेस्ट को बुक करवाया था, अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कराई थी। और आज एग्जाम था छोटी वाली बहन का, वो गई हुई है स्कूल, तो उस चक्कर में मैं जा ही नहीं पाया। 10:45 पे था लास्ट टाइम, जो कि निकल गया। और इसको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत है तेरे? मैं रैप का दे दूंगा चुपचाप। चुपचाप रहे, ये तो चलता रहेगा। तो अभी भाई स्लॉट बुक नहीं हुआ है और दिमाग इतना खराब हो रहा है, मतलब बुक हो गया था और गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, अभी मेरे खुद के ऊपर भी जा नहीं पाया, क्योंकि इसके सहारे तो घर तो छोड़ नहीं सकते। ये लोथू आदमी कुछ करने वाला है नहीं। ये लैटरिंग है। ये तो अब मैं डालूंगा तेरी बदतमीजी, अब तो और डालूंगा, पता चलना चाहिए कितना बड़ा वो तुर्रम हाँ खाया तू। ठीक है ठीक है। तो भाई अभी मैं वापस उधर जा रहा हूँ जिससे मैंने बुकिंग करवाई थी, उससे पूछो क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि टाइमिंग तो निकल चुकी है। और चलते हैं उसके ऊपर पता करते हैं, और क्योंकि कुछ मुझे अप्लाई भी करना था, तो वो अप्लाई भी वहीं पे कर लेंगे। तो चलते हैं और फिर अब आपसे मिलेंगे वहीं पर, चलते हैं। तो भाई सामान रख लिया है, डॉक्यूमेंट सारे रख लिए हैं, और चलते हैं फटाक से, क्योंकि लेट भी हो रहा है यार। और ये स्कूटी भी टूटी पीछे से, उसका वो मेन स्टैंड है वो गिरा पड़ा है। यार भाई अभी बात करी मैंने उससे कि कुछ हो सकता है डेट, मतलब वो कह रहा है रीडेट मिल जाएगी, लेकिन मैंने बोला कि घर बैठने वाला जो आजकल दिल्ली सरकार का सिस्टम है वो नहीं कर सकते क्या, तो कह रहा वो भी हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत सिर्फ एक बात की है कि वो दोबारा पेमेंट मांग रहे हैं, शायद अपॉइंटमेंट ख़त्म होगी शायद इसकी वजह से। तो देखो शायद मैं सेंटर पे जाकर ही दूंगा, क्योंकि भाई दोबारा पैसे कहाँ से दूंगा यार, इतने पैसे 500 रुपये लगते हैं एक बार के अपॉइंटमेंट, और 100 100 रुपये वो अप्लाई करने के लिए लेगा, वो अलग। और कुछ डॉक्यूमेंट भी अप्लाई करने थे वो भी नहीं कर पाया मैं अभी, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है उसके पास। सही बिजनेस है भाई उसका, सेटअप चल रहा है थोड़ा। चलते हैं अभी घर वापस। तो दोबारा घर आ चुके हैं। गेट खोल साहिल। यार इतना दिमाग खराब हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा आजकल। अब ब्लॉग भी पता है रेगुलर नहीं डल रहे, अब एक हफ्ते बाद आया वो ब्लॉग, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि काम ही इतने सारे हो जाते हैं, इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं रेगुलर ब्लॉग करूंगा। और जो मेरी जो मेरा 2 गेहूं के बोरे मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये 2 गेहूं के बोरे है ना, इन दोनों को भी साफ करूंगा। 1.5 घंटा लग जा मान के चलो, लगभग 1.5 घंटा तो लग ही जाना है। और वो जो सरप्राइज अभी फिलहाल पेंडिंग पड़ा है, सरप्राइज मैं बता ही देता हूँ। एक्चुअली ना सर्दी आ रही है, और रिची जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी सर्दियों में मेरे ख्याल से मुश्किल से 4 महीने का होगा, और पूरी सर्दियाँ वो इस टाइल पे तो गुजार नहीं सकता। तो इसके लिए मैट लेकर आने वाले हैं हम लोग, हरी घास वाली जो मैट होती है ना वो बिछा देंगे, और उससे ना फिर मतलब एक वो रहेगा कि हाँ वो ठंडक में नहीं रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो अभी मैट लानी है, ये सरप्राइज था आपका जो कि मुझे एकदम से दिखाना था। तो भाई अभी एक कांड हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ आज, पता नहीं क्या हो रहा है, कांड पे कांड, कांड पे कांड हो रहा है, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है मुझे अभी, लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना जब गेहूं निकाल के ना मैं बस बैठा ही था, गाना वाना चलाया अपना, सेट हुआ,
अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें ना वो गेहूं वाले कीड़े होते हैं ना, ये देखो साइड साइड में आपको दिख रहा है, वो लग चुके हैं। इनका लगने का मतलब ये है कि गेहूं को मुझे अभी दोबारा धूप में डालना पड़ेगा। सही है मतलब। तो वापस कमरे में आया हूँ और इसको यहाँ पे बेड के अंदर ले आया हूँ। चलो जो हो गया अब उसको कुछ कह तो नहीं सकता मैं, पर देखो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जैसे जो मतलब ब्लॉगिंग स्पेसिफिकली सिर्फ ब्लॉगिंग पे डिपेंडेंट है उनकी लाइफ भाई बहुत हार्ड होती होगी। बिकॉज अभी तो मैंने सिर्फ अभी अभी स्टार्ट किया है ये ब्लॉगिंग चैनल, अभी अभी स्टार्ट किया जस्ट अभी, तो मेरे को मुश्किल से शायद 1 हफ्ता हुआ होगा और उसमें भी मैंने कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाल पाया। तो जैसे बड़े बड़े ब्लॉगिंग चैनल्स हैं मैं उन पर देखता हूँ कंटिन्यू ब्लॉग डालते हैं, तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि ये जो कैमरा होता है ना जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है भाई, ये आपका एक लिटरली पार्ट बन जाता है शरीर का, आप एक एक सुख दुख का साथी सा बन जाता है। मैंने देखा है कि उनके सुख के टाइम में भी वो वीडियो बना रहे हैं, अपने दुख के टाइम में भी वीडियो बना रहे हैं, और मतलब कैमरा हमेशा उनके साथ रहता है। पार्टी में कोई पार्टी में जा रहा है, कोई सेलिब्रेशन है किसी का, कोई अवार्ड सेक्शन है, उसमें भी वो कैमरा लेके जा रहा है और कैमरे को होल्ड कर रहा है और अपनी इंजॉय फुल्ली इंजॉय नहीं कर पा रहा, इंजॉय तो फिर भी फुल्ली कर पा रहा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन कैमरा हाथ में रहने की वजह से कहीं ना कहीं उसे बार बार ये टेंशन रहती होगी कहीं कैमरा ना गिर जाए, कहीं मेरे को शॉर्ट्स ढंग के ना मिले, ऐसा मतलब माइंड में आता होगा। बिकॉज क्योंकि भाई उसे व्यूज व्यूज के लिए, अपनी जनता को अपने साथ अटैच रखने के लिए, अपने जो उनके देखने वाले चाहने वाले उनको अपने साथ अटैच रखने के लिए एकदम रियलिस्टिक फुटेजेस को अपनाना पड़ता होगा, ये मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये मानना मेरा सही है, क्योंकि कैमरा एक व्लॉगिंग चैनल के लिए बहुत मतलब कैमरा एक व्लॉगर के लिए एक पार्ट होता है, उसके शरीर का हिस्सा होता है। तो आप काफी मेरे को बहुत दिक्कत लगती है अभी, जैसे मैं ये जो गेहूं वाला सेटअप था इधर बिठा रहा था ना, तो भाई कैमरा सेट ही नहीं हो रहा, मेरे इतना दिमाग खराब हो रहा है। मैं कहा यार एक बंदा होता साथ में, लेकिन आप कितना भी कर लो कितना भी ना करो पर जनता को अपने साथ जोड़ पाना ना बहुत मुश्किल है। व्यूज अब जैसे मेरे ना मुश्किल से 12-13 व्यूज आते हैं एक वीडियो पे, और जो परसों डाली थी उसमें सिर्फ 3 व्यूज आए, मनोबल टूट जाता है, लेकिन स्टिल अभी भी मैं ट्राई करता रहूंगा ताकि व्यूज बढ़ते रहे। मुझे पता है एक ना एक दिन तो बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने एक बड़े यूट्यूबर ने बोला था कि आप अपने चैनल पर अगर चैनल बनाया है तो आपने कंटिन्यूटी लाइए, मतलब आप कंटिन्यू भी रहिए और अपना घर का काम भी कीजिए पढ़ाई भी कीजिए। तो मेरे साथ भी वही सीन है कि मैं अपने इसमें कंटिन्यू जाऊंगा और देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं होता, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है ऐसा तो कहा जाता है, पता नहीं क्यों कहा जाता है पर कहा तो जाता है। तो अब आएगा साहिल, अभी सोनम को लेकर स्कूल देने गया हुआ है, उसका एग्जाम है ना आज, SST का एग्जाम है। हाँ SST का एग्जाम था, देखो कैसा जाता है कैसा नहीं जाता, उम्मीद तो है अच्छा जाएगा, मेरे से कहा तो है उसने कि मैं पढ़ के गई थी एकदम बढ़िया से, देखो अब क्या कहते हैं। यार इतना काम पड़ा है यार, दिक्कत बहुत है। चलिए थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे, तो साथ में जुड़े रहिएगा ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। भाई सोनम का आते रिएक्शन देखो इसका, वाह क्या खुशी क्या खुशी, अरे बाप रे बाल ही पकड़ लिए, एकदम बावड़ा हो रहा है। तो भाई भाई जो छत पर आ गए धूप लगाने के लिए, ये देखो एक और गेहूं साइल लेके नीचे से आ ही रहा है। हाँ तुलसी देखो क्या बात है, नजारों के मजे लो, अब मेरी छत से देखो व्यू कितना अच्छा दिखता है, देखो thank you.
तो ये साहिल आ गया, अब जल्दी से यहाँ पे बिछा लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे। गेहूँ सूख चुका है, ये देखिए गेहूँ डाल दिया हमने, साल नज़ारे के मज़े ले रहा है ये पूरा ना पीछे। तो इसी के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना हो कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।